नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं आपके साथ अखिलेश शाडी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ यहाँ पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि कौन सी एग्री कम्युनिटी आगे जाके किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ सकती है और उन पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, ये सब चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत हमेशा की तरह यहाँ पे सबसे पहले हम कैसे सीड से करेंगे। कैसे सीड में आज सुबह एक हल्की सी करेक्शन बनते हुए देखी थी हमने। कैसे सीड की कीमतों को 6000 के घरों में 6000 के लेवल्स पर कारोबार करते हुए देखा था। दरअसल कैसे सीड की कीमतों में एक ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हालांकि निर्यात मांग ठीक ठाक है और प्रोडक्शन भी इस बार कम रहने का अनुमान जताया गया है, जिसकी वजह से कैसर में हमने तेज़ी बनती हुई देखी थी और कैसर की कीमतों में हमने 6500 के भी ऊपर के लेवल्स आते हुए देखे थे। लेकिन अब देख रहे हैं कि वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन थोड़ा बहुत देखने को मिला। अब जानकार ये बता रहे हैं कि जैसे अब कैसे सीड 6000 के लेवल पर है, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत गिरता है या फिर यहाँ पे भी सस्टेन रहता है तो हल्की सी करेक्शन और देखने के बाद कैसे की कीमतों में फिर से तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कैसे की कीमतों को ऊपर में 6200-6300 लेके जाएगी। तो कैसे में अभी खरीदारी देखने को मिल सकती है निचले स्तरों से। बात करें यहाँ से अगर चने की, तो चने की कीमतों को हमने बीते हफ्ते में जब क्लोजिंग आई थी, बीते कारोबारी हफ्ते की क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को NCDX पर चने की, तो हमने 5200 के लेवल्स आते हुए देखे थे। और अब भी देख रहे हैं कि जब इस कारोबारी सप्ताह की शुरुआत हुई तो चने की कीमतें 5000 के घरों में जाती हुई नज़र आई थी और आज हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन चने की कीमतें 5200 के आसपास कारोबार करती हुई नज़र आई थी सुबह के कारोबारी सत्र में। हमने दो दिन के अंदर अंदर चने की कीमतों में 200 पॉइंट की बढ़त बनते हुए देखी थी। अब जानकार ये बता रहे हैं कि ये पूरा कारोबारी सप्ताह चने की कीमतों में ऐसे ही सीमित दायरा देखने को मिलेगा। चने की कीमतें नीचे में 5050 से लेकर ऊपर में 5300 तक देखने को मिल सकती है और क्लोजिंग होते होते चने की जो कीमतें हैं इस कारोबारी सप्ताह वो 5200 के लेवल्स पर देखने को मिल सकती है। और ये जो चने की कीमतों में जो सीमित दायरे वाला जो रुझान है ये भी कुछ दिन तक चल सकता है, ऐसी लगभग 1.5 से 2 हफ्ता ऐसी देखने को मिल सकता है। और हो भी सकता है कि इन 1.5 से 2 हफ्तों में चने की जो कीमतें हैं वो वीकली क्लोजिंग के बाद कुछ नीचे भी जाती हुई नज़र आए। चने में एक खरीदारी देखने में वायदा बाजारों के अंदर थोड़ा टाइम देख लग सकता है, लेकिन खरीदारी ज़रूर निकलेगी निचले स्तर से। चने में अगर खरीदारी निकलती है तो जानकारों के अनुसार चना की वायदा कीमतें 5500 से लेकर 5700 तक के लेवल्स दिखलाती हुई नज़र आ सकती है। तो चने में अगर यहाँ से गिरावट बनती है तो निचले स्तर से खरीदारी भी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि साल 2020-21 में चने का उत्पादन का अनुमान 119.9 लाख टन का लगाया जा रहा है और कुछ अब मानसून भी फिर से सक्रिय हुआ है। मानसून की गतिविधियों में एक बार फिर से तेज़ी देखने को मिली है जिससे बारिश अच्छी हुई है और इस बार दालों की जो बुआई है वो अच्छी बताई जा रही है। और दूसरा जो अगला सीज़न होगा दालों का उसका जो भी बुआई का अनुमान अच्छा ही लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से दालों की कीमतों में कुछ प्रेशर बनता हुआ नज़र आ सकता है। और इसी के चलते चने की कीमतों में एक नरमी देखने को मिली थी, अभी भी मिल रही है। और दूसरा जो सरकार ने स्टॉक लिमिट और दालों के आयात का फैसला लिया है उसकी वजह से भी दालों में और चने की कीमतों में कुछ दबाव बनता हुआ नज़र आया है। तो ओवरऑल रुझान अभी चने में कुछ समय के लिए एक सीमित दायरे वाला देखने को मिल सकता है। तो चने के बाद बात करें यहाँ से अगर अब बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने सुबह की कार्रवाई सब में 2500 के लेवल्स आते हुए देखे थे। अब बिनौला खल में हमने नीचे में 2300 के भी लेवल्स लगते हुए देखे थे। सीधा 3200 से लेकर 2300 तक के लेवल्स लग जाना, 900 पॉइंट की गिरावट देखना, ये काफ़ी बड़ी बात होती है क्योंकि 6 महीने से हम देख रहे थे लगातार बिनौला की कीमतों में तेज़ी का ही रुझान था। कंसिस्टेंसी के साथ बिनौला खल धीरे धीरे तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। अब देख रहे हैं कि बिनौला खल में भी थोड़ी बहुत निचले स्तर से खरीदारी लौटी है और 2500 का लेवल सुबह की कार्रवाई सत्र में देखने को मिला था। अब की बात करें तो अब जानकार यहाँ से बता रहे हैं कि बिनौला खल में कुछ एक थोड़ी बहुत उठापटक के बाद अगर 2500 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल जाती है कुछ ट्रेडिंग सेशंस और, तो नेक्स्ट टारगेट 2600 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। बिनौला खल के बाद बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में भी हमने 2 दिन की मंदी के बाद तेज़ी बनती हुई देखी थी। ग्वार में जानकार अभी तेज़ी का ही रुझान बता रहे हैं कि ग्वार में
अभी भी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। ग्वार की कीमतें एक बार फिर से 10,000 के पार जाती हुई नजर आ सकती है और ग्वार सीड के अंदर भी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। 6100-6200 ग्वार सीड भी जाता हुआ भी नजर आ सकता है। तो ग्वार गम और ग्वार सीड में जानकार अभी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, खरीदारी करके चला जा सकता है। और एक और ग्वार से रिलेटेड आप लोग के साथ जानकारी साझा करना चाहूँगा कि ग्वार का अपडेट आया है कि ग्वार गम का जो एक्सपोर्ट है, यहाँ पे मैं भारतीय ग्वार गम के एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, वो अगस्त 2021 में बढ़ता हुआ नज़र आया है जुलाई महीने के मुकाबले। अगस्त में 10.48% बढ़ा है और जुलाई में 16,530 टन देखने को मिला था और अगस्त में 18,262 टन का भारतीय ग्वार गम का निर्यात देखा गया है। और वहीं से बात करें अगर ग्वार के शिपमेंट्स की, तो उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल की अगस्त 2020 की अवधि के मुकाबले इस साल की अगस्त 2021 की अवधि की अगर कंपेयर किया जाए, दोनों को तुलना की जाए, तो इस बार ज़्यादा देखने को मिली है शिपमेंट्स। 42.38% की ग्वार के शिपमेंट में तेज़ी देखने को मिली है। तो यानी कि अगर एक्सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है और प्रोडक्शन भी कम है, निर्यात मांग ठीक है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी जानकार अभी बता रहे हैं कि ग्वार की देखने को मिल रही है, और हम देख रहे हैं कच्चे तेल के यानी क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी अभी हाल फिलहाल में तेज़ी की ओर हैं, इन्हीं सभी फंडामेंटल्स का असर ग्वार के कीमतों पर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है और ग्वार में भी तेज़ी बनती हुई नज़र एक बार फिर से आ सकती है। ग्वार के बाद बात करें यहाँ से अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो खाद्य तेलों में हमने सरसों में ठीक ठाक तेज़ी आती हुई देखी है। सरसों धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ कारोबार करती हुई नज़र आई। दरअसल सरसों का प्रोडक्शन इस बार अच्छा खासा बताया गया है, बम्पर उत्पादन बताया गया है, लेकिन तब भी सरसों की किल्लत महसूस की जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला तो ये है कि सरकार ने 8 जून 2021 से सरसों के तेल में जो ब्लेंडिंग हुआ करती थी, जो अन्य खाद्य तेलों की मिलावट हुआ करती थी, उस पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से बाज़ारों में अब प्योर सरसों का तेल ज़्यादातर उपलब्ध होने लगा है। दूसरा, सरकार ने सरसों तेल के रिफाइंड बनाने पर भी जोर दिया है, जिसकी वजह से सरसों तेल को एक डाइवर्जन मिलता हुआ नज़र आया, एक रास्ता मिलता हुआ नज़र आया। तो पहले ब्लेंडिंग रोकी गई जिसमें सरसों की खपत ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा, रिफाइंड बनाने पर जोर दिया गया सरकार द्वारा सरसों तेल के रिफाइंड पर, जिसकी वजह से सरसों की खपत और बढ़ गई। फिर दूसरा, जब देखा गया कि अब सरसों की कीमतें एकदम से बढ़ रही हैं और उत्पादन भी अच्छा है, तो जो स्टॉकिस्ट हैं उन्होंने जो सरसों है वो स्टॉक करनी शुरू कर दी। हालांकि किसानों ने भी स्टॉक करके रखी हुई है, अभी भी किसान भी धीरे धीरे करके अपनी सरसों मंडियों में लेकर आ रहे थे और अभी भी देख रहे हैं कि अब जाके कुछ थोड़ी आवक बढ़ती भी नज़र आई है सरसों की मंडियों के अंदर, क्योंकि अब जो सरसों के जो प्राइसेज हैं मंडियों के अंदर, हाजिर बाज़ारों के अंदर, वो 9,000 के भी पार देखने को मिल रहे हैं। 10,000 तक हमने सरसों दाना की कीमतें मंडियों के अंदर जाती हुई देखी हैं। और अभी जो हाल फिलहाल में स्टॉक बताया जा रहा है पूरे भारत के अंदर सरसों का, वो लगभग 30,00,000 टन का बताया जा रहा है और सरसों की फसल आने में अभी लगभग 4 से 5 महीने का समय बाकी है। तब तक अगर ये जो स्टॉक है वो चल जाता है, इतना जो खपत है, जो कंजप्शन है, उसको पूरा करने में सक्षम रहता है, तो सरसों की कीमतों में तेज़ी तो रहेगी लेकिन ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल पाएगी। हालांकि MSP से अभी भी ऊपर रहेगा, कीमतें बहुत अच्छी रहेंगी, अच्छा लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन अगर समय रहते बाज़ार में सरसों की आवकें हो गई और स्टॉक भी थोड़ा बहुत बच गया, तो वो वाली तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी जो स्टॉक की किल्लत होने पे देखने को मिलती। अगर पाइपलाइन खाली हो जाती है तब तो सरसों की कीमतों में अभी और बम्पर तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी, नहीं तो फिर इसी दायरे में सरसों की कीमतें देखने को मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में जानकारों का ऐसा मानना है कि सरसों में तेज़ी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक कम है तो और खपत ज़्यादा है, तो स्टॉक कम पड़ सकता है ये सरसों का और सरसों की कीमतें 9,000 या उससे भी पार जाती हुई नज़र आ सकती है। अभी जानकारों द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ से बात करें सरसों के बाद अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन तो पहले हमने एक अच्छी खासी तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए नज़र आया था। सोयाबीन की कीमतों में एक अच्छी खासी तेज़ी दर्ज की गई थी। दरअसल जब सोयाबीन की बुआई का वक्त था
तब उस समय किसानों के पास सोयाबीन दाना मौजूद नहीं था बुआई के लिए, और जो दाना उपलब्ध था किसानों के पास, कारोबारियों के पास, वो उस क्वालिटी का नहीं था कि सोयाबीन की अच्छी उपज ली जा सके, और ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा देखने को मिली थी सोयाबीन की, जिसकी वजह से सोयाबीन की बुआई का रकबा कम होता हुआ नज़र आया था। लेकिन अब ऐसे आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं कि किसानों ने महंगा बीज होने के बावजूद भी महंगा बीज खरीदा है और सोयाबीन की बुआई की है, काफ़ी मेहनत करी है, लेकिन अब किसान की मेहनत पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल एक तो मानसून फिर से एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से सोयाबीन की फसल खेतों में खड़ी खड़ी खराब हो गई, तबाह हो गई, ज़्यादा भारी बारिश की वजह से किसानों को एक तो वहाँ पर नुकसान हुआ है, और दूसरा सरकार ने जब सोयाबीन की बुआई की किल्लत देखने को मिल रही थी, तब जो पशु चारा इंडस्ट्री थी, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री थी, वहाँ से डिमांड आई थी कि सोयाबीन की कीमतें थोड़ी कम की जाएं, क्योंकि उनकी जो लागत है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। सोयाबीन दाना का इस्तेमाल पशु चारे में इंडस्ट्री में भी होता है, सोयाबीन खली का, और इसी के मद्देनज़र फिर सरकार ने सोयाबीन के आयात का फैसला किया था, और जब से आयात हुआ है तो फिर उसके बाद से किसानों को जो आस थी कि महंगा सोयाबीन का महंगा बीज खरीदने के बावजूद जो बुआई की है उसकी लागत कहीं ना कहीं निकल जाएगी, तो सरकार के सोयाबीन के आयात करने के फैसले से कहीं ना कहीं किसानों का जो जोश था कि सोयाबीन के अच्छे दाम मिलेंगे और जो उनकी जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं टूटती नज़र आई। पहले जो सोयाबीन मंडियों के अंदर 10-10, 11-11, 12-12 हज़ार तक बिकती नज़र आई थी, अब उसी सोयाबीन के दाम 5,000, 7,000, 8,000 ऐसे देखने को मिल रहे हैं, और सोयाबीन का आयात अभी भी जारी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसानों को अब ऐसा डर सताने लगा है कि कहीं उनकी सोयाबीन MSP से भी कहीं नीचे ना बिकने लग जाए, क्योंकि 5,000 का लेवल तो मंडियों के अंदर पहले से ही देखने को मिल चुका है, और दूसरा बारिश की वजह से, भारी बारिश की वजह से जो सोयाबीन है उसकी क्वालिटी भी बेकार हो सकती है, उसके अंदर नमी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से मंडियों में किसानों को रेट कम मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो किसानों की जो लागत है वो निकलनी मुश्किल हो जाएगी। अब किसान ऐसे में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, उनका कहना ये है कि जब बुआई के लिए बीज नहीं था तो सरकार ने उस समय सोयाबीन का आयात क्यों नहीं किया, जिससे कि अगर सरकार उस समय सोयाबीन का आयात करती कहीं से तो किसानों के पास बीज उपलब्ध हो पाता और घरेलू स्तर पर ही सोयाबीन की किल्लत दूर हो जाती, खपत जो है उसको पूरा किया जा सकता था और घरेलू पोल्ट्री उद्योग की भी मदद हो सकती थी। लेकिन उस समय ऐसा फैसला नहीं आया, जब किसानों ने महंगा बीज खरीद लिया, उसके बाद बुआई कर ली, और जब लागत निकलने का समय आया, सोयाबीन बेचने का समय आया मंडियों के अंदर, तब सोयाबीन के सोया खली का आयात का फैसला लिया गया, जिसकी वजह से जो किसान है वो अभी काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है, उनकी लागत निकलना भी अभी मुश्किल हो रहा है। तो सोयाबीन का रुझान अभी जानकार नीचे की तरफ ही बता रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में अभी निचले स्तर और देखने को मिल सकते हैं। हाल फिलहाल में हमने सोयाबीन में 5,800 तक के लेवल आते हुए देखे हैं, हो सकता है कि सोयाबीन यहाँ से अगर 5,500, 5,400 या 5,000 तक भी लुढ़क जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट, और कि कौन सी कृषि फसल में क्या फंडामेंटल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मनी तेजी आगे जाके देखने को मिल सकती है, और उन पर जानकारों की क्या राय है। फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही। नमस्कार।